हाँ तो दोस्तों, हमने अपनी मटर पनीर की सब्जी में डालने के लिए हमने सभी चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिया है 1/2 किलो पनीर और 250 ग्राम मटर और 10 से 12 लहसुन की हमने पोथी ली हैं। और दोस्तों ये हैं 8 से 10 हरी मिर्ची और दोस्तों बड़े टमाटर 4 लिए हैं, बड़े प्याज हमने 4 लिए हैं। हमने सभी चीज़ें अपनी मटर पनीर के अंदर डालनी हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों हमने अपने प्याज और टमाटर को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है, इसको हम अभी काटेंगे। हाँ तो दोस्तों हमने टमाटर और अपने प्याज को मीडियम साइज पर काट लिया है। दोस्तों अब बारी हमारे पनीर की। दोस्तों हमने अपना पनीर भी काट कर रेडी कर दिया है। दोस्तों ये है हमारी मटर, इसके अंदर हम पानी डालेंगे अभी। तो दोस्तों हमने इसके अंदर पानी डाल लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने पनीर को हल्का सा ब्राउन करेंगे। दोस्तों हमने लिया है तेल 50 ग्राम, अपने हिसाब से आप भी ले लेना। तो दोस्तों हमारा जो पनीर है वो ब्राउन हो चुका है, इसमें 4 से 5 मिनट लगते हैं ब्राउन करने में। तो दोस्तों अब हमारी बारी है प्याज और टमाटर को इसके अंदर फ्राई करने की। तो आप वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों आप इसके अंदर डाल सकते हो तेल या रिफाइन, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों हमने लिया है तेल, हम इसके अंदर तेल डालेंगे 50 ग्राम। तो दोस्तों हमने लिया है 1 चम्मच जीरा और दोस्तों ये है साबुत धनिया। तो दोस्तों हमने डाले थे लहसुन और दोस्तों हमारी ये है हरी मिर्ची। तो दोस्तों हमारे प्याज ब्राउन होने के बाद हमें इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 से 4 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे। तो दोस्तों हमारे 4 से 5 मिनट इसको हो चुके हैं, आप ये देख सकते हो वीडियो में। हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हम इसको बंद कर देंगे। और दोस्तों इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, इसको गर्म मिक्सी में पीसें। तो दोस्तों हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको हम अभी ग्राइंडर में इसको पीसेंगे। तो दोस्तों हमने अपने इसको पीस लिया है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों हमने लिया है 100 ग्राम तेल, इसके अंदर हम अपने पेस्ट को फ्राई करेंगे। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। दोस्तों ये हमारा जो पेस्ट था इसके अंदर हम डालेंगे।
चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों आप लोग हैं नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है। दोस्तों ये गरम मसाला, मीट मसाला, कस्तूरी मेथी एक चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च। दोस्तों हमने सभी मसालों को उसके अंदर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाना है। तो दोस्तों इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपनी मटर पनीर। तो हमने 10 मिनट तक इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम ढक के रख देंगे। तो दोस्तों हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। हम लास्ट में अपना मैगी मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारी मटर पनीर की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करनी है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।